खबर रायबरेली से। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश अनुसार जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह, आबकारी निरीक्षक सदर अखिलेश कुमार, आबकारी निरीक्षक महाराजगंज आनंद कुमार पाठक, आबकारी निरीक्षक लालगंज संजीव सिंह द्वारा जनपदीय आबकारी टीम के साथ थाना गुरुबख्शगंज थाने के अंतर्गत स्थित गौरी कोरिहर यदुनाथ सिंह का पूर्वा के आदि गांवों में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के घरों व आसपास के जंगलों, खेतों, नहर के किनारे, बबूल के जंगलों आदि में दबिश की कार्यवाही की गई एवं गोझरी कोरिहर सताव बाजारों में कच्ची शराब बेचने वाले कारोबारियों पर दबिश दी गई। आबकारी विभाग की टीम को देखते ही कच्ची शराब कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बेच रहे एक महिला बनौपत्नी गंगाराम को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया। दबिश के दौरान लगभग 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। लगभग 6 क्विंटल महुआ मौके पर नष्ट किया गया। तीन अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के साथ ही गांव के लोगों को नकली सस्ती मदिरा से दूर रहने व इसके सेवन से जन स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया गया। गांव में या आसपास कोई भी व्यक्ति अवैध शराब बनाने या बेचने का काम करता है तो इसकी गोपनीय सूचना टोल फ्री नंबर 14405 पर आबकारी विभाग व पुलिस को देने के लिए कहा गया। सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।